कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज बुधवार को 14वां दिन है। सरकार ने आज कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किसानों को भेज दिया है, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार के प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए सिंगू बॉर्डर पर किसानों की चर्चा हो रही है। इससे पहले ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मौला ने कहा कि सरकार अगर संशोधन की बात कर रही है तो हमारा जवाब साफ है, संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी का लिखित भरोसा मिलेगा तो ही विचार करेंगे। सरकार की चिट्ठी हमें पॉजिटिव लगेगी तो कल वीरवार को मीटिंग कर सकते हैं। किसान नेताओं ने कहा कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, ये सम्मान का मुद्दा है। क्या सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती? क्या किसानों पर अत्याचार होगा? अगर सरकार जिद पर अड़ी है तो किसान भी अपनी बात पर डटे हैं, कानून वापस होने ही चाहिए। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आगे की स्ट्रेटजी तय करेंगे। किसानों की वैसे तो सरकार के साथ आज मीटिंग तय थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अचानक किसानों को मिलने का न्योता भेज दिया। बैठक के लिए पहले 5 किसान नेताओं को बुलाया गया था, बाद में 13 शामिल हुए। कुछ किसानों ने यह कहते हुए विरोध किया कि एक दिन पहले बैठक क्यों और 40 की जगह 13 सदस्य ही क्यों शामिल किए गए। बैठक पहले शाह के घर पर थी, आखिरी समय में जगह बदलकर गेस्ट हाउस तय कर दी गई। ऐसे में 2 किसान मीटिंग में नहीं आ सके और बाकी किसानों ने उनके बिना चर्चा शुरू करने से इनकार कर दिया। मीटिंग में शाह ने कई एक्सपर्ट्स बुला रखे थे जो किसानों को समझा रहे थे कि किस बदलाव का आगे चलकर क्या असर होगा, फिर भी किसान नेता अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे थे, इसलिए बैठक में नतीजा रही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.